हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज दीपन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। और बात करेंगे आज क्रूड ऑयल क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम देखेंगे। और ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल आज पिवट पॉइंट 4888, फर्स्ट रेजिस्टेंस 4956, सेकंड रेजिस्टेंस 5022, थर्ड रेजिस्टेंस 5090 and the first support 4822, second support 4754 and third 4688, right? तो अब देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल डेली चार्ट। तो ये क्रूड ऑयल डेली में अप ट्रेंड है, जैसे यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है मार्केट। तो थोड़ा हम देखेंगे यहाँ पे, राइट, वेल हाँ यहाँ पे देख सकते हैं जैसे बाउंस बैक हो रहा है, ये यहाँ से बाउंस बैक होने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन थोड़ा कल मार्केट थोड़ा करेक्शन दिया, फिर से पुल बैक करके मार्केट पुल अप करके मार्केट ऊपर आ गया। तो अगर इसको देखे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, तो यहाँ से मैंने 3 पॉइंट लगा दिया, जिसे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन है क्रूड ऑयल में, राइट। तो इसमें सेल जाना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैं लास्ट फ्यू डेज आपको बता रहा हूँ, शायद वन वीक, लास्ट वन वीक से, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेंगे हम तो सेल में जाएंगे नहीं, ठीक है। तो फिर भी कल आपको शायद मार्केट डाउन आया, फिर भी अब अगर छोटा टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट में जाए, तो सॉरी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये लाइन को, हाँ। तो यहाँ पे मतलब आप बाय के लिए जा सकता था, जैसे लास्ट पॉइंट मिला तो मार्केट 50 मिनट में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और 5 मिनट में, तो भी यहां से आपको जैसे ये पोजीशन में आपको बाय मिला। जैसे मैंने एक ड्रॉ कर देता हूं लाइन में, जैसे ये सॉरी ये लाइन, और यहां पे मैंने क्रॉस सीन दे देता हूं क्योंकि ये क्रॉस सीन है। तो इसमें अगर डेली देखेंगे तो कल आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मार्केट करेक्शन दिया था, राइट। तो यहाँ पे आपको ये रीजन में, राइट, एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकता है बाय का सिग्नल मिला था यहाँ पे। तो अगर बाय करता तो मुझे लगता है अच्छा खासा कुछ मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये फुल्ली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है, ये सॉरी सपोर्टिंग लाइन है। तो सपोर्टिंग लाइन में आपको बाय जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डेली में लॉन्ग मैंने मतलब अप ट्रेंड ले रहा है। तो अगर आप 4 आवर में देखे तो 4 आवर में क्या हो रहा है इसमें, तो 4 आवर में छोटा थोड़ा स्क्रीन को, हाँ इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेंज आ रहा है, हमें एक रेंज मिल रहा है। तो रेंज कौन सा है, 4 आवर रेंज में ये देख सकते हैं एक रेंज में है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था एक रेंज में रहता है मार्केट, तो एक रेंज में, तो जो ट्रेड करना है हमें ये रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर फ्यूचर मार्केट नीचे आ गया तो हम बाय जा सकता है, राइट। लेकिन ये रीजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे आप मार्केट नीचे भी, फिर से मार्केट नीचे भी आ सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ये मार्केट से फिर से नीचे भी आने का चांसेस करेगा यहाँ से। लेकिन इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो ये रीजन को थोड़ा ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। जैसे आपको मैं अगर बताऊँ तो इसमें आपका पॉइंट आएगा अराउंड 500 का ऊपर, राइट, सॉरी 5000 का ऊपर से आप बाय जा सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। तो इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, तो इसलिए ये रीजन में जब ट्रेडिंग करेंगे थोड़ा आपको देख के ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक इसको जिगजैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो अगर आप 15 मिनट या 30 मिनट में देखे, सपोज 15 मिनट, बिकॉज आई यूज मोस्टली 15 मिनट, राइट। तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट फुल्ली इसका पैटर्न देखिए जिगजैग कैसा हो रहा है, लोअर बनाया, हाई बनाया, हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हाई, फिर से लोअर हाई, लो, लोअर लो, फिर से ये बन रहा है, राइट, जिगजैग पैटर्न। तो देख सकते हैं ये मार्केट ऐसा एक पैटर्न फॉर्म करके एक ही एरिया में घूम रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर से ऊपर गया, लोअर लो बनाया यहाँ पे, जो लो सॉरी हायर लो बनाया यहाँ पे, ये देखिए। तो ये हायर हाई बनाने का कोशिश कर रहा है, तो
और साथ में ये हमें क्या मिला, एक रेंज मिल गया। तो ये रेंज में आपको ट्रेडिंग करना है। जब ये हायर हाई बना के इधर जाएगा तो यहाँ से आप सेल ले सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिटिल मोर अबव जस्ट हियर यू कैन जस्ट कीप योर एस सी बी राइट। एंड नेक्स्ट यू कैन सी दिस इज द लास्ट पॉइंट, सो इट इज योर बुक प्रॉफिट, सो और रेशियो विल बी 1:2 राइट, रेशियो विल बी 1:2। तो ये मेथड से आप जा सकते ट्रेडिंग कर सकते हैं आज। और 5 मिनट में देखेंगे तो हम, क्योंकि एक हमें रेंज मिला, ठीक है मैं रेंज में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ज़्यादा हायर कनेक्टेड एरिया को। यहाँ पे देख सकते हैं हायर कनेक्टेड एरिया, तो इसको कर देता हूँ अभी। आप जाइए 5 मिनट में, 5 मिनट में देख सकते हैं हमें ये एक रेंज मिल गया। तो रेंज में ही ट्रेडिंग करना है, तो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। तो रेंज में ट्रेडिंग करना चाहिए आपको। अगर मार्केट नीचे आ गया, जैसे यहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर निकल गया राइट, यहाँ पे ग्रीन, तो सपोज यहाँ पे सडनली आपको रेड कैंडल फॉर्म होने लगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये सपोज रेड कैंडल फॉर्म हुआ ना, इसको कहाँ पे एक हमें ये रेजिस्टेंस लाइन मिला, तो आपको कहाँ एंट्री करना है, इसका नीचे थोड़ा जो पहले फर्स्ट रेड कैंडल बनेगा राइट, रेड कैंडल का थोड़ा 5.5 पॉइंट मैक्सिमम आप 10 पॉइंट ले सकते हैं। 10 पॉइंट का नीचे में एंट्री प्राइस ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंट्री। तो एंट्री लेके आप यहाँ पे देखिए जो हमें लगाया कितना एसएल, इसका थोड़ा ऊपर राइट, इसका ऊपर एसएल लगाएंगे। ये जो कैंडल है प्रीवियस हाई जो कैंडल बनेगा उसका ऊपर में थोड़ा कैंडल लगाएंगे और एंट्री करेंगे इसका फर्स्ट बियरिश कैंडल, जो रेड कैंडल ये देखा आपने रेड कैंडल यहाँ पे, इसका नीचे में यहाँ पे आपको एंट्री था राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपको आएगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ उसका नीचे, जैसे ये रेड कैंडल था उसका नीचे था राइट। थोड़ा बड़ा कर देना हो तो अब आपको अच्छा से दिखाई देगा मुझे लगता है, ठीक है इसको। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ राइट, ये फर्स्ट रेड कैंडल था यहाँ पे, तो इसका थोड़ा लो था, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे था, इसका नीचे एसएल हमें यहाँ पर था ये पोर्शन में राइट, ये पोर्शन में, तो हमें ये प्रॉफिट मिल जाता। तो नेक्स्ट इधर भी क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन मिला हुआ है, तो इसलिए हमें रेड कैंडल फर्स्ट फॉर्म करेगा, जैसे ये सेकेंड जो रेड कैंडल ब्रेकआउट करेगा वहाँ पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री राइट, दिस इज अवर एंट्री। एसएल होगा यहाँ पे, ये होगा एसएल स्टॉप लॉस ओके। तो हम देखेंगे ये, इसको बोलता है आर, मतलब हमें जितना भी हो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट 20 पॉइंट, तो जैसे यहाँ पे एंट्री किया हमें 190, सपोज 50 में किया 190 50, और एसएल रहेगा 80 80, तो 50 80, 30 पॉइंट हमारा किया रहा एसएल, हमने लिया आर, दैट मीन्स इसको बोलता है आर, 1 आर मतलब 1 आर, ठीक है। और इसका बुक प्रॉफिट क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ पे एंट्री किया, बुक प्रॉफिट इधर रहेगा, तो 30, तो इधर होगा 20 30 60 राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 90 90 का नीचे 10 190 180 एंड 4890, तो ये 2 आर होगा, यहाँ पे होगा 2 आर, वो हमारा टेक प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट राइट, यहाँ पे आएगा 2 आर। तो ऐसे आपको स्ट्रेटेजी बना के आपको ट्रेडिंग करना चाहिए राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।